नमस्कार, मैं प्रिया, धराधर 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2022 में भारतीय महिला टीम को अपने दूसरे लीग मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। भारतीय टीम ने इससे पहले पाकिस्तान को हराकर टूर्नामेंट में शानदार आगाज की थी, लेकिन दूसरे ही मैच में कीवी टीम ने उन्हें पटखनी दी है। इस मैच में न्यूजीलैंड ने 50 ओवर में 9 विकेट पर 260 रन बनाए थे और भारत को जीत के लिए 261 रनों का लक्ष्य दिया था। 5 राज्यों में आए चुनावी परिणाम पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि पीएम की राष्ट्रीय अवतारित सोच का ये परिणाम है। कांग्रेस ने जातिवाद को महत्व दिया और पीएम ने राष्ट्रवाद विकासवाद को। पीएम आज की तारीख में भारत के अवतारित पुरुष है, जो भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। नामुमकिन को मुमकिन करना ये एक अवतारित पुरुष ही कर सकता है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग को 2 हफ्ते हो गए हैं। रूस की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं, तो यूक्रेन भी पीछे नहीं दिख रहा है। रूस के मिसाइल अटैक से यूक्रेन के कई शहर खाक हो चुके हैं, जबकि यूक्रेन ने रूस के 12,000 सैनिकों को ढेर करने का दावा किया है। रूसी हमले के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने व्लादिमीर पुतिन को सीधे बातचीत का ऑफर भी दिया है। यूक्रेन में युद्ध 15वें दिन भी जारी है। ऐसे में राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि उनका देश रूसी बलों के हमले के तहत शहरों में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए 6 और मानवीय गलियारे खोलने की तैयारी कर रहा है। अपने नवीनतम वीडियो संबोधन में राष्ट्रपति ने दावा किया है कि बुधवार को हम 3 मानवीय गलियारों के काम को व्यवस्थित करने में कामयाब रहे, सुमिकीव और एनरगोडार शहरों से, जिसके कारण 35,000 से अधिक लोगों को निकाला गया है। गोवा में विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। शुरुआती रुझान में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी हैट्रिक के करीब नजर आ रही थी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर पणजी में चुनाव हार गए हैं। भाजपा के अताना सीओ मोनसेराते ने उन्हें बेहद कम मार्जिन से मात दी है। बता दें कि दिवंगत मनोहर पर्रिकर काफी लंबे समय तक इस सीट पर विधायक रहे थे। देश में कोरोना के बीते 24 घंटे में 4,184 नए मामले सामने आए और 4 लोगों की जान गई है। ये आंकड़े केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने गुरुवार को साझा किए। इसी के साथ जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 5,15,459 पर पहुंच गई है। कोरोना के 44,488 सक्रिय मामले हैं। देश में पॉजिटिविटी रेट 0.10% है, तो वहीं 6,554 मरीज ठीक भी हुए हैं, जिससे रिकवर होने वालों की संख्या बढ़कर 4,24,20,120 पर हो गई है। भारत के रिकवरी रेट 98.70% है। यूक्रेन के मारियोपोल में रूसी बलों द्वारा एक प्रसूति अस्पताल पर किए गए हवाई हमलों में कुछ गर्भवती महिलाएं घायल हो गई हैं, जबकि कई बच्चे मलबे में दब गए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया है कि रूसी बलों ने राजधानी कीव के पश्चिम में स्थित झितोमिर शहर में भी 2 अस्पतालों को निशाना बनाया। WHO के मुताबिक यूक्रेन में लगभग 2 हफ्ते पहले रूस का विशेष सैन्य अभियान शुरू होने के बाद से चिकित्सा केंद्रों पर कम से कम 18 हमलों की पुष्टि हो चुकी है। पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को बड़ी जीत मिलती दिखाई दे रही थी। आम आदमी पार्टी 90 सीटों पर बढ़त बनाए हुए थे। पंजाब के इस जीत का आम आदमी पार्टी को राज्यसभा में बड़ा फायदा होने की उम्मीद है। जुलाई तक आम आदमी पार्टी पंजाब से 7 राज्यसभा सीट जीत सकती है। अगर आम आदमी पार्टी सभी 7 सीट जीतने में कामयाब रहती है, तो फिर राज्यसभा में उनके सांसदों की संख्या 10 हो जाएगी। पंजाब विधानसभा चुनाव के रुझान में नतीजे आने शुरू हो गए हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत की तरफ जाती दिख रही है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पटियाला शहर सीट से चुनाव हार गए। चुनाव आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार उन्हें आपके उम्मीदवार अजीत पाल सिंह कोहली ने 13,000 वोट से मात दी है। रिद्धिमा कपूर साहनी ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर फिल्म शर्मा जी नमकीन से पिता ऋषि कपूर की तस्वीर साझा की है। इसके साथ ही उन्होंने कैप्शन में लिखा, पिताजी को हमें शारीरिक रूप से छोड़े हुए लगभग 2 साल हो चुके हैं, लेकिन उनका करिश्मा अभी भी महसूस किया जाता है और उनकी किंवदंती अभी भी जीवित है और हमेशा रहेगी। आपको बता दें, ये फिल्म 31 मार्च को OTT प्लेटफॉर्म पर जारी की जाएगी। 5 राज्यों में आ रहे चुनावी नतीजों के बीच गुरुवार को राजधानी स्थित कांग्रेस मुख्यालय में सन्नाटा पसरा देखा गया। पार्टी 5 राज्यों में हार की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी। पंजाब में वो अपनी सत्ता गंवा चुकी है और वहीं गोवा और मणिपुर में पिछली बार सबसे बड़ी पार्टी बनने के बावजूद रुझान में बहुमत से काफी दूर नजर आ रही थी। जम्मू डिवीजन के लिए 11वीं कक्षा का परिणाम 2021 पर बड़ी अपडेट आई है। जम्मू और कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन जल्द ही जम्मू डिवीजन के लिए कक्षा 11वीं का परिणाम 2021 जारी कर सकता है। उत्तराखंड के लाल कुआं विधानसभा सीट से राज्य के पूर्व सीएम और दिग्गज कांग्रेस नेता हरीश रावत चुनाव हार गए हैं। भाजपा के मोहन सिंह बिष्ट ने हरीश रावत को 14,000 वोटों से मात दी है। हरीश रावत ने पहले ही कहा था कि ये उनका आखिरी चुनाव होगा मुख्यमंत्री रहते। हरीश रावत ने साल 2017 के विधानसभा चुनाव में 2 सीटों से विधानसभा चुनाव लड़ा था और दोनों ही सीटों पर हार का मुंह उन्हें देखना पड़ा था।
निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की मतगणना के बाद विजय जुलूस निकालने पर लगे प्रतिबंध को बृहस्पतिवार को हटा दिया। आयोग ने एक बयान में कहा कि जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं वहां कोविड-19 महामारी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह फैसला किया गया है कि मतगणना के दौरान और बाद में विजय जुलूस निकालने से संबंधित दिशा निर्देश में राहत दी जाए और विजय जुलूस निकालने पर लगा प्रतिबंध पूरी तरह से हटा लिया जाए। रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद आया कच्चे तेल में उबाल थमता हुआ नजर आ रहा है। आज गुरुवार को तेल निर्यातक देशों का संगठन ओपेक के सदस्य देश यूनाइटेड अरब अमीरात यूएई द्वारा कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाने वाले बयान के बाद कच्चे तेल की कीमत $115 प्रति बैरल से नीचे आ गई है। पंजाब में सत्ता परिवर्तन के रुझान देखने के बाद कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट करके आम आदमी पार्टी को बधाई दी है। सिद्धू खुद भी अपने हलके में चुनाव हार गए हैं, जिसके बाद ही उन्होंने कहा है कि जनता की आवाज भगवान की आवाज होती है। पंजाब के लोगों का फैसला निम्रता से स्वीकार करता हूं। आपको बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू ने गुरुवार की शाम को चंडीगढ़ में बुलाई विधायक दल की बैठक को भी रद्द कर दिया था। दरअसल कांग्रेस ने चुनाव परिणाम आने के बाद आज शाम विधायक दल की बैठक बुलाई थी। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने रुझान पर खुशी जाहिर करते हुए गाना गाया है जिसके बोल थे सड़क बनेगी पुल भी बनेगा और होगा बम बम भोला। मनोज तिवारी ने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने अब ये साफ संकेत दे दिया है कि जाति के नाम पर नफरत फैलाने वाली राजनीति नहीं चलेगी। साथ ही ये रुझान बताते हैं कि उन लोगों को अपनी जुबान को रोकना चाहिए जो नफरत फैलाते हैं। मनोज तिवारी ने कहा कि भाजपा सबको साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है जिनको जनता ने पसंद किया है और रुझान इसको साफ बयान कर रहे हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा सीनियर सेकेंडरी यानी कि कक्षा 12 की टर्म 1 परीक्षाओं के नतीजे अब कभी भी घोषित किए जा सकते हैं। हालांकि स्टूडेंट्स को ध्यान देना चाहिए कि सीबीएसई द्वारा टर्म 1 रिजल्ट के अंतर्गत उन्हें पास या फेल घोषित नहीं किया जाएगा और अभी सिर्फ पहले चरण की परीक्षाओं के विषयवार अंक जारी किए जाएंगे। वहीं पास या फेल की गणना स्टूडेंट्स के टर्म 2 एग्जाम के मार्क्स के कंबाइंड स्कोर से निर्धारित होगा। हुंडई इंडिया ने होली पर अपनी कार पर डिस्काउंट ऑफर देने का फैसला किया है। हुंडई की i20 ऑरा सेंट्रो और ग्रैंड i10 नियोस जैसे पॉपुलर मॉडल पर ₹50,000 तक की छूट मिल रही है। हुंडई ऑफर में एक्सचेंज बोनस कॉर्पोरेट छूट और कैश डिस्काउंट का लाभ उठा सकते हैं। ये ऑफर सिर्फ मार्च तक वैलिड है। देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी LIC IPO लाने की तैयारी में है, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के चलते शेयर बाजार में जारी उठापटक का असर LIC के IPO पर पड़ सकता है, जिसके चलते LIC IPO के लिए हायर किए गए इन्वेस्टमेंट बैंकरों ने सरकार से LIC के IPO लाने में जल्दबाजी नहीं करने की सलाह दी है। शेयर बाजार के रेगुलेटर सेबी ने LIC के IPO के लिए दाखिल किए गए ड्राफ्ट पेपर को मंजूरी दे दी है। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने कहा है कि उनके देश द्वारा हाल ही में एक टोही उपग्रह के विकास का उद्देश्य अमेरिकी सेना और उनके जागीरदार बलों के बारे में जानकारी एकत्र करना है। प्योंगयांग के राज्य मीडिया ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी है। योनहाप समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार 5 मार्च को उत्तर कोरिया ने एक सप्ताह से भी कम समय में दूसरे ऐसे परीक्षण में एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी, जिसका दावा प्योंगयांग ने एक टोही उपग्रह विकसित करने के लिए किया था। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन के शीर्ष अधिकारियों ने यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव से दूर रहने के भारत के रुख को समझा। इस मामले में उन्हें हिंद प्रशांत पर संसद की सुनवाई के दौरान कई अमेरिकी सांसदों को इस मुद्दे पर शांत कराने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। रूस और यूक्रेन के बीच जारी महायुद्ध में पूर्व विश्व दो गुटों में बंट गया है। वहीं बांग्लादेश को रूस के खिलाफ वोट ना करने की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। दरअसल सुरक्षा परिषद में रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव रखा गया था, जिससे भारत समेत कुछ देश ने दूरी बनाई थी। इसी कड़ी में बांग्लादेश द्वारा संयुक्त राष्ट्र में रूस का विरोध न करने के कारण देश को भेजी जाने वाली कोरोना वैक्सीन की बड़ी खेप को रोक दिया गया है। मोनेटाइजेशन या फिर मुद्रीकरण की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम के गठन को मंजूरी मिल गई है। आपको बता दें कि CPSE के पास बड़ी तादाद में ऐसी जमीनें और भवन हैं जिनका कम इस्तेमाल हो रहा है। बिहार के संदर्भ में बड़ी खबर मणिपुर से आ रही है। मणिपुर की 60 सीटों में से एक पर जनता दल यूनाइटेड के NS सनाते को खबर लिखे जाने तक जीत मिल गई थी। जदयू ने जीरीबांग सीट पर भी जीत लिया है। इसके साथ ही जदयू को वहां पर उनका खाता खुल गया है। जदयू का मुख्य आधार बिहार में ही है। बिहार के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार में जदयू के नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। यूपी चुनाव के परिणामों को लेकर बिहार में सुबह से ही सदन में गर्माहट देखने को मिली। रुझानों में भाजपा की बढ़त मिलते ही पार्टी के मंत्री और विधायक जश्न के मूड में आ गए। बिहार विधानसभा में ही कार्रवाई शुरू होते ही भाजपा के विधायकों ने हर हर महादेव का नारा लगाना शुरू कर दिया। इस पर नाराज राजद विधायक ने कहा कि सदन की जगह इसे भोलेनाथ का मंदिर बना दीजिए। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि इसे यही मान लीजिए।
शेयर बाजार में गुरुवार को भी शुरुआती कारोबार में उछाल दर्ज किया गया। निवेशकों की संपत्ति में कारोबार शुरू होने के साथ ही 5.4 लाख करोड़ रुपए से अधिक का उछाल आया है। लगातार तीसरे सीधे सत्र में इक्विटी बेंचमार्क में यह वृद्धि हुई है। ये तेजी तब है जब घरेलू बाजार में बुधवार की रैली के बाद बीएसई सूचीबद्ध कंपनियों का बाजार पंजीकरण 2 दिनों में 7,21,949.74 करोड़ रुपए से बढ़कर 2,48,32,780.78 करोड़ हो गया। अपनी तरह के पहले अभूतपूर्व ऑपरेशन में 2 महीने पहले जनवरी महीने में सुअर का जेनेटिकली मॉडिफाइड हार्ट ट्रांसप्लांट करवाने वाले अमेरिकी व्यक्ति डेविड बेनेट की मंगलवार दोपहर यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड मेडिकल सेंटर में जान चली गई। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज में एक शांता कुमारन श्रीचंद, जिन्हें हम सभी एस श्रीचंद के रूप में जानते हैं, बीते दिन क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं। श्रीचंद ने सोशल मीडिया पर काफी भावुक होकर अपने रिटायरमेंट का ऐलान किया है। 2 बार वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम के सदस्य रहे श्रीचंद अपनी आक्रामक शैली के लिए जाने जाते हैं। श्रीचंद के लिए सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन मैच फिक्सिंग मामले में वो फंस गया और उनको आईपीएल 2013 स्पॉट फिक्सिंग मामले में दोषी पाया गया है। 11 और 12 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर रहेंगे। अहमदाबाद हवाई अड्डे से लेकर भाजपा के प्रदेश कार्यालय तक कमल तक विशाल रोड शो देखने को मिलेगा, जिसमें 4 लाख से अधिक लोगों के शामिल होने की संभावना है। इसके अलावा पीएम मोदी 11 मार्च की शाम को जीएमडीसी ग्राउंड के मारू गाम मारू गुजरात कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है विनय कुमार, नन्नू कुमार, रघुनाथ प्रसाद, दिव्यांशु कुमारी, सुमन सौरभ, गौतम कुमार, स्वर्णेश्वर कुमार, निभा कुमारी, बबलू कुमार, ललन केसरी, हरेराम कुमार, शंकर कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बॉलीवुड के किस अभिनेता को इंडस्ट्री में और मौका मिलना चाहिए? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।